नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग मैथ का टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग 1000 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और यही आपको पढ़ कर जाना है, क्योंकि अब जो है मुश्किल से आपके पास 30 दिन बच गए हैं, क्योंकि आज है आपके पास 30 दिसंबर, आज की डेट है, और 30 दिसंबर के बाद आपके पास मुश्किल से जो है एक महीना का समय है, और एक महीना का समय भी आपको कम पड़ जाएगा क्योंकि बीच में बहुत सारे फेस्टिवल भी हैं। तो 1 फरवरी 2022 के लिए तैयार हो जाए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। और डेली यहाँ पे 1:30 बजे क्लास जो है आपकी चलाई जाएगी। इसके लिए आपको ये भी बता दें कि इसके लिए सब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे उसके लिए भी क्लासेज जो है वो दे दी गई है। नहीं देखें तो उसके लिए प्लेलिस्ट में जाके देखें, मैथ की प्लेलिस्ट में सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज से हम लोग टॉप 1000 मैथ ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे पार्ट बाई पार्ट में। डेली 1:30 बजे से क्लास चलेगी और डेली पार्ट बाई पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। बस 30 दिन उतना पढ़िए और बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद कीजिए और इससे बाहर एग्जाम में आपका कुछ नहीं आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए। सभी को वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी लोग यहाँ पर जुड़ सकें, ठीक है। तो फटाफट शेयर कर दीजिए सभी को, आइए क्लास की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम को देखते हुए, बिना चैट को देखते हुए यहां से आप क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। टैन इनवर्स रूट अंडर 1 + x² माइनस कॉट इनवर्स, ठीक है, माइनस रूट अंडर 1 + x² और ऑप्शन नंबर ए है पाई, ऑप्शन बी है, थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देता हूं, ऑप्शन बी है 1 और ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 2x / √1 + x². यही क्वेश्चन है और इसका आपको बोल रहा है कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, अब देखो इसका आंसर क्या होगा, इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। देखिए कुछ लोग आंसर करना भी शुरू कर दिए हैं। आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं tan inverse √1 + x² और ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा ना, ये होगा cot inverse √1 - x² और आपको पता है कि tan inverse x + cot inverse x क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री होता है π/2 और ये क्या है अपने आप में कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। आप जानते हैं कि tan inverse x + cot inverse x जो होता है वो आपका π/2 होता है और π/2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लगाया जा रहा है, जी हां नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेकंड नंबर, कुछ ऑब्जेक्टिव तो आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत लोग एग्जाम में जाके सॉल्व करता रहेगा और आप जो है आपको याद रहेगा तो आप सही जाकर टिक कर दोगे, है ना, 1 - cos x। अब देखो ये तो याद हो गया होगा 1 + cos x, इसका पूछा है कि डिफरेंशिएशन एक्स निकालिए और ऑप्शन ए में दे दिया है 1/2 और ऑप्शन बी है -1/2, ऑप्शन सी देखो 1/3 है और ऑप्शन डी है 1/4। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ है, देखो इसको कैसे आंसर करेंगे, तो आपको पता है कि सर इसका मान क्या होता है √1 - तो इसका मान आपको पता है कि सर इसका मान तो हम निकाले थे कि tan π/4 - x/2 होता है, यही निकाले थे, ठीक है, इसका मान इतना होता है और tan inverse θ क्या होगा, यहाँ आ गया π/4 - x/2 और बाबू जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होता है, ये कांस्टेंट है ना, इसका क्या होगा 0 और x का क्या होगा -1/2, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा -1/2। बस ऐसे एग्जाम में फटाफट ऑब्जेक्टिव को एकदम उड़ा देना है ना, एकदम सॉलिड धुआं धुआं उड़ाना है, ठीक है। बस याद रखिएगा
रूट अंडर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स जो होता है इतना होता है, ठीक है, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू होता है, बस उसके बाद कुछ नहीं, आराम से आंसर आएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या पूछा है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, ई एक्स क्यूब। ऑप्शन बी देखो क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर ई एक्स। बस ऑप्शन देख के टिक मारेंगे, बस ये इसमें कुछ करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा ट्रिक आप लोग को दे रहे हैं कि एग्जाम में जाके गर्दा उड़ा दोगे आप, ठीक है। ई एक्स स्क्वायर और ऑप्शन डी है थ्री एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू, यही दिया है ऑप्शन। अब देखो इसको करना कुछ नहीं है, ई एक्स क्यू का है, तो आप बोलोगे सर ई एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है, और उसके बाद एक्स क्यू का निकालोगे तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। तो अब देखेंगे कि आखिर थ्री एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू किस में है, तो यहाँ पे देखिए थ्री एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू कितना है बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो भी दे रहे हैं बिल्कुल शानदार आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर एकदम फटाफट करेंगे, है ना, बस बनाते चलिए और एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा उड़ा देना है। चलो देखो अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा है, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बस इसी तरीके से आप बने रहें और एग्जाम में चुटकी में सारा सवाल होगा। देखिए y बराबर दिया हुआ है बाबू, ठीक है, y बराबर दिया है cos थीटा और y बराबर दिया है क्या cos थीटा और x बराबर दिया हुआ है sin थीटा, x बराबर sin थीटा, तो बोल रहा है कि dy by dx की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए देखो क्या बोला है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है यहां पे tan थीटा, ऑप्शन ए है tan थीटा, ऑप्शन बी है माइनस tan थीटा, ऑप्शन सी की बात की जाए तो ऑप्शन सी बोल रहा है cot थीटा, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है cot थीटा, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है none of these। तो आप इसका कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो आपको पता है कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा, कुछ नहीं बाई बटे cos कर देना है, क्या कर लेंगे बाई बटे x कर लेंगे, तो माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा बाबू माइनस tan थीटा, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से एग्जाम में आपको चुटकी में देखकर आंसर करना है, यहाँ पे तो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं और आपको एग्जाम में एकदम फटाफट टिक करके आना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या पूछा है, डी वाई डी थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, बस और ऑप्शन दे दिया है जीरो, बी ऑप्शन है दो, सी ऑप्शन है तीन और डी ऑप्शन है फोर। अब बताइए इसका क्या होगा, ये कुछ है आप बोले सर इसको तो हम लिख सकते हैं ऐसे टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। अब बोलोगे सर इसका मान कितना होता है, 2 × 1 2 होता है और ये कांस्टेंट हो गया, तो हम जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा जीरो हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे जो भी क्लिक किए बिल्कुल शानदार आपका आंसर आया है, ठीक है। इसी तरीके से जो यहां धूल मचा रहा है, जो यहां गर्दा उड़ा रहा है, वो एग्जाम में भी जाकर वही काम करेगा। चलो अगला सवाल अगला सवाल देखो क्या पूछा है, देखिए बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है, दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है बाबू, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या पूछा है, यह है क्वेश्चन नंबर सिक्स और दे दिया है बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स और पूछ दिया है आपसे डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है वन,
ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है साइन 2x और ऑप्शन डी दिया है कॉस 2x। अब इसका बताना है क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका हम कैसे बताएं, तो साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन एक्स होगा है ना, और साइन का क्या होगा कॉस एक्स होगा। 2 साइन ए इंटू कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो आप बोलोगे सर ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है। बस सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ऑप्शन नंबर सी लाजवाब आंसर आ गया। चलिए जिसका भी सी आया एकदम शानदार सही जवाब दे रहे हो आप। अगला सवाल लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे क्या कर रहा है, देखो जो क्लास में रहेगा जो बनाएगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही बूस्ट करेगा अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो, है ना। चलो देखो अगला सवाल क्या है, y इज इक्वल टू log रूट एक्स, ठीक है, और इसका बोल रहा है कि भैया डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1/2x, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी है 1/2√x और ऑप्शन सी है रूट एक्स बाई 2 और ऑप्शन डी है रूट एक्स, ठीक है। इसका आंसर पूछ रहा है कि भैया इसका आंसर बताइए, तो देखो क्या करेंगे बाबू, ये लॉग है ना, लॉग का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x होता है और x की जगह क्या है रूट एक्स, हम रूट एक्स लिख दिए, क्लियर। अब रूट एक्स का आपको पता है कि सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे 1/2√x, है ना, बहुत अच्छे। यहां से क्या होगा सही आंसर 1/2x, सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, देखिए लगातार कितना फास्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, एक एक जवाब का आंसर आज आप लोग खुद देंगे और आप खुद डिटरमाइन करेंगे कि सर एकदम मजा आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो क्या पूछा है, जी हाँ अगला सवाल हम बताएंगे क्या पूछा है, ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा है, बस यहां पे आप लोग बनाते चले और आंसर तो पलक झपकाते आ जाएगा। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ dx और पूछ दिया है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका आपको बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, और ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए है 1/√(1 − x²), ऑप्शन बी है भैया 3/√(1 − x²), ऑप्शन सी है −1/√(x²), और ऑप्शन डी है 3/√(1 + x²। अब बोलोगे सर ये कैसे बनाएंगे, कैसे इसका आंसर आएगा, तो देखो कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स 3x − 4x³ का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, आप क्या जानते हैं, तो ये नहीं जानते तो देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 3x − 4x³ इज इक्वल टू होता है कितना, 3 साइन इनवर्स x। यहाँ पे कुछ हुआ, ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 3 बाहर हो गया और डिफरेंशिएशन किसका निकलेगा, साइन इनवर्स x का, और साइन इनवर्स x का क्या होता है √(1 − x²), यानी सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से तुम फटाफट यहाँ पे आंसर आपको करते चलना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या पूछ रहा है सर। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे,
कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल आपसे पूछ दिया है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ध्यान से देखिएगा, पाई बाई टू जीरो कॉस एक्स डीएक्स, और ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है क्या माइनस वन, ऑप्शन बी है वन, और ऑप्शन सी है पाई बाई टू, और ऑप्शन डी है जीरो। यही पूछा है और इतना का मान पूछा है, देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है ध्यान से देखना आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले बोलो कि सर कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, रेंज कितना है पाई बाई टू और जीरो पे, तो इसका मान कितना हो जाएगा साइन पाई बाई टू और माइनस साइन जीरो, और साइन 90 का मान क्या होता है वन, और साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो, तो सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन हो जाएगा, ठीक है जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल शानदार आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल यहां पे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 पे आप लोग ध्यान देंगे, और आपसे यहां पे पूछ दिया है, ध्यान से देखिएगा इसका क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है पाई बाई टू जीरो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही पूछा है ना, और यहां से डीएक्स है, और बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वन होगा पाई बाई टू होगा, सी में दिया है जीरो, और ऑप्शन डी में दिया है माइनस पाई बाई टू, यही पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाबा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है ज्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। सबसे पहले इसको हम आई मानकर बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना तो आई मानकर बनाते हैं, और जब टू आई आ जाएगा, ठीक है इक्वेशन फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा करोगे, और जब जोड़ोगे ना तो सब क्या होगा जुड़कर यहाँ पे टू आई का जो मान आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में वो आ जाएगा जीरो, टू आई का मान कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, और इस तरीके से इसका जो आंसर है इसको याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कल के लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन को डील किया है, अगर स्टेप बाय स्टेप देखना है तो कल की वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है कल की क्लास में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लास है तो यहाँ पे हम सॉल्व तो ये करेंगे नहीं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत शानदार है, और आपसे पूछ दिया है sec स्क्वायर 3x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या पूछा है, ऑप्शन ए दिया है 1/3 tan 3x प्लस 5, और ऑप्शन बी दिया है -1/3 tan -1/3 tan 3x प्लस 5, ऑप्शन सी दिया है बाबू 1/5 tan 3x प्लस 5, और ऑप्शन डी दिया है 0, और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना इसका इजी आंसर है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि सर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x होता है, और इसके साथ में जो x रहता है वो पीछे जाके कहां जाता है, तो वो नीचे जाएगा ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/3 tan 3x प्लस 5। जो भी 11 का सही आंसर ए लगाया हो आपका बिल्कुल 100% सही आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। बस यहां पे फटाफट आप आंसर करते रहे और कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है पाई बाई 20 डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई टेन क्यू एक्स, ये टेन क्यू एक्स है और ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है पाई बाई 2 और ऑप्शन डी दिया है पाई बाई 4। यही क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछ दिया कि इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो जब भी इसका आप आंसर निकालेंगे, ठीक है, तो किस रूप में आएगा इस चीज को हम आपको बता देते हैं। जब आप इसका आंसर निकालिएगा बाबू, ठीक है, जब इसका आंसर निकालिएगा तो ये पाई बाई 2 और 0 में पूछ रहा है ना, पाई बाई 2 और 0 में पूछ रहा है, तो ये जो है टेन इनवर्स में आ जाएगा और इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको पाई बाई 4 आ जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम बताए हैं कि इसको हम लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स करके ये बनाना होगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो भी डी क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, फटाफट यहां पे आंसर करना है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल ठीक है बाबू। चलो अगला सवाल देखो क्या पूछा है अगला सवाल, हाँ, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है और बहुत अच्छा सवाल पूछा है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये पूछ दिया है बाबू और ऑप्शन दिया है, आज 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है, 1/16 टेन इनवर्स एक्स बाई 16 प्लस सी, ऑप्शन बी दिया है 1/4 टेन इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस सी, सी दिया है 1 और डी दिया है 0, ये ऑप्शन दिया है 13 का और आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको क्या करना है, आपको तो यहां से लिख देना है कि सर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। अब इसको जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यही ना आंसर होता है, इसका क्या हो जाएगा 1/4 और tan इनवर्स x बाई 4, a की जगह क्या आ गया 4 आ गया, यानी सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी जो क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या पूछ रहा है, एकदम फटाफट यहां पे आंसर करेंगे, हाँ जी हाँ एकदम आंसर एकदम तेजी में होना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या पूछा है, पाई बाई 4 दिया है और यहाँ पे 0 दिया है और इंटीग्रेशन पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा का, ऑप्शन देखो क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1 माइनस पाई बाई 4, बी क्या दिया है 1 प्लस पाई बाई 4, ऑप्शन सी दिया है -1 माइनस पाई बाई 4 और ऑप्शन डी दिया है पाई बाई 4। अब देखो इसको कुछ नहीं करना है बाबू, जब ये सवाल दे दिया तो इसको हम करेंगे क्या, तो बोलोगे सर टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दीजिए, लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दिए और इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टेन थीटा और 1 का क्या होगा थीटा, अब बस इस पे पाई बाई 4 0, ठीक है ना, पाई बाई 4 और 0 इस पे बैठा देना है, बैठाइएगा टेन 45 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान 1 होता है और ठीक है थीटा का मान कितना लिखिएगा पाई बटे 4 लिखिएगा, तो सही आंसर क्या आ जाएगा बाबू, देखिए लड़का लोग एकदम सही आंसर करने लगा, सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ऑप्शन नंबर ए, डी नहीं बाबू, ये थीटा है, थीटा की जगह पाई बाई 4 तो लिखेंगे ना
ऑप्शन नंबर ए, गलती नहीं करना है। तो डेली क्लास में आते रहे और डेली आपको मैथ की ऐसी ही शानदार ऑब्जेक्टिव आपको दी जाएगी, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। बस अब 30 दिन जो है बिल्कुल आपको धमाल मचा देना है, क्योंकि 30 दिन डेली यहाँ पे मैथ की क्लासेस लगातार आपको देती जाएगी। ठीक है, तो बने रहें चैनल पर, मिलते हैं शाम के 5 बजे। याद रखिएगा, आज शाम 5 बजे होगी आप लोगों की फिजिक्स की ताबड़तोड़ क्लासेज, और साथ ही साथ रात्रि 8:45 में हिंदी की ज़बरदस्त क्लास लेके आ रहे हैं। तो फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं शाम के 5 बजे आपके लिए फिजिक्स की क्लास लेकर आ रहे हैं, जिससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में आपका एक भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।